Hello everyone, welcome to Digal Classes. Today we will continue exercise 1.3 of chapter number 1, Integers of class 7 Maths. तो हमने last video में question number 3 देखा था, उससे पहले हमने question number 1 और 2 देखा था. तो ये सारी पूरी exercise में हमें multiplication की properties use करनी है. तो ये वाला हम देखते हैं इसमें क्या है. Question number 4 है, starting from minus 1 into 5, write various products showing some pattern to show minus 1 into minus 1 equals 1. तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? Minus 1 into 5 से स्टार्ट करना है और हमें जाना है minus 1 into minus 1 equals 1. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि minus 1 into 5 होगा माइनस 5, क्योंकि ये 5 जो है पॉजिटिव है और ये माइनस 1 नेगेटिव है. एक ही माइनस के साइन है. जब एक माइनस के साइन हो तो हमें पता है कि आंसर में भी माइनस के साइन आएगी. तो यहां पे आएगा माइनस 5 और यहां पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 1 है और यहां पे हमें लास्ट जो टर्म चाहिए उसमें भी फर्स्ट टर्म है माइनस 1. यहां पे 5 है और यहां पे है माइनस 1. तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है सेकंड वाला वो चेंज हो रहा है. तो यहां पे 5 है और यहां पे माइनस 1 है. तो हम इस पे से अंदाज लगा सकते हैं कि ये 5 जो है बड़ा है और माइनस 1 छोटा है. तो हमें इसमें कुछ डिक्रीज करना है और ये जो होगा माइनस 5 है जो छोटा नंबर है और यहां पे प्लस 1 है जो बड़ा है. तो हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस 5 माइनस 1 इनटू 4 इक्वल्स माइनस 4. तो यहां से माइनस 5 है, यहां से हमें बड़ा मिला. तो हम जैसे आगे जाएंगे तो ये जो आंसर मिलेगा वो हमें बड़ा मिलेगा. हमें 1 तक पहुंचना है और यहां पे हम एक-एक नंबर डिक्रीज करते जा रहे हैं. फिर हम करेंगे -1 × 3 तो हमें मिलेगा -3. यहां पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमें आंसर मिला नेगेटिव. फिर -1 × 2 करेंगे हमें मिलेगा -2. फिर -1 × 1 करेंगे तो हमें मिलेगा -1. फिर हम करेंगे -1 × 0 तो हमें मिलेगा 0. फिर हमें मिल गया -1 × -1 जो है +1. तो यहां पे हमने क्या किया, जो ये सेकंड नंबर है उसमें हमने -1 किया. 5 - 1 तो हमें मिला 4, ये सेकंड वाले का. फिर 4 - 1 हमें मिला 3. 3 - 1 हमें मिला 2. 2 - 1 1. फिर 1 - 1 0 और फिर 0 - 1 - 1. तो यहां पे हमें सेकंड डिजिट वैसे मिला. तो ये पैटर्न फॉलो हो रही है कि जो सेकंड डिजिट है उसमें -1 करना है और यहां पे आंसर में भी हमें पैटर्न मिल रही है -5 + 1 तो हमें -4 मिला. -4 + 1 तो हमें -3 मिला. -3 + 1 तो हमें -2 मिला. -2 + 1 तो हमें -1 मिला. -1 + 1 तो हमें 0 मिला. 0 + 1 तो हमें 1 मिला. तो यहां पे भी पैटर्न बन रही है कि जो आंसर है उसमें +1 होता जा रहा है और जो ये सेकंड नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो -1 होता जा रहा है. यहां पे एक टर्म माइनस है और एक प्लस है. माइनस प्लस माइनस होता है तो जो हमें आंसर मिलता है वो माइनस मिलता है. तो यहां पे पैटर्न फॉलो हो रही है तो हमारा आंसर होगा ये. ये जो सेकंड टर्म है उसे डिक्रीज करना है और जो आंसर है उसमें +1 होता जा रहा है. तो ये सिंपल मेथड है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज. तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके ये जो दिए हैं क्वेश्चंस उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो उसमें ए वाला है 26 × -48 + -48 × -36. तो यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी. यहां पे जो 48 है वो कॉमन है. तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखा था a × b + c जब हो तो वो हो जाता है a × b + a × c. तो यहां पे जो a है वो दो बार रिपीट हो रहा है. तो यहां पे ही वैसे -48 जो है वो हमारा दो बार रिपीट हो रहा है तो वो हमारा a होगा. और एक जो नंबर है 26 उसे हम b बोल देते हैं और जो एक -36 है उसे हम c बोल देते हैं. तो इस फार्मूला के हिसाब से हमारा ये क्या होगा, पहले a. तो हमारा a यहां पर है -48. तो -48 × b + c तो
तो हमारा ये जो 26 है वो हमारा बी है और माइनस 36 है वो हमारा सी है। तो बी हमारा होगा 26 प्लस माइनस 36, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 48 इंटू 26 प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 36, तो फिर से आएगा माइनस 48 इंटू 26 माइनस 36 होगा 10 और यहाँ पे 36 बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होती है वही साइन आंसर में आती है। तो यहाँ पे 36 बड़ा है उसके आगे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी आएगी माइनस की साइन आंसर में। तब तो ये इजी हो गया, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 480 और दोनों के आगे माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब दो बार माइनस की साइन रिपीट होती है तो प्लस होता है क्योंकि 2 इवन नंबर है और मैंने बोला था कि जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव की साइन रिपीट होती है तो वो प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 480। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी क्वेश्चन, इसमें क्या है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। तो यहाँ पे तो हमें वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है पर हमें पता है कि कोई भी हम इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि हम a इंटू बी इंटू सी करें कि पहले b इंटू सी कर दे फिर उसमें a मल्टीप्लाई करें या फिर a इंटू बी करें फिर उसमें c मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पे हम पहले कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम पहले 8 और माइनस 125 ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें मुझे तो पता है कि 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं 125 इंटू 8 85 सा 44 इंटू सा 16 प्लस 4 20 0 2 81 सा 8 और 2 10 तो ये 1000 है। तो 8 इंटू माइनस 125 है, 8 पॉजिटिव है और 125 है जो नेगेटिव है। तो हम 8 इंटू माइनस 125 फिर उसमें 53 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1000 आएगा क्योंकि एक की नेगेटिव की साइन है तो यहाँ पे एक नेगेटिव की साइन इंटू 53। तो ये फिर इजी हो गया क्योंकि 53 के साथ तो हमें खाली 1 को ही मल्टीप्लाई करना है तो हमें माइनस 53000 आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये जो 53 है वो पॉजिटिव है और ये जो 1000 है वो नेगेटिव है तो ये हमें मिल गया माइनस 53000। इसमें हमने अरेंज करके मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे तो हमें नंबर में दिखना चाहिए कि हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में ऐसे जीरो आते हो वैसा डिजिट किससे मिलेगा। फॉर एग्जांपल 25 इंटू 4 होगा तो भी हमें 100 मिलेगा तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर 5 इंटू 2 होगा तो 10 होगा तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो हमें ऐसे कोई नंबर दिखे तो हम उसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे नंबर के साथ ताकि वो इजी हो जाए क्योंकि खाली फिर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना रहेगा, फिर यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। अब हम नेक्स्ट जो एच तक है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।